मुझे पता है, मैंने कल बोला था कि मैं जो है व्हाइट सेंचुरी के ऊपर आज थ्योरी लाने वाला हूँ, लेकिन मैंने उसको पोस्टपोन कर दिया कल के लिए, बिकॉज मेरा भाई ने एक सवाल पूछा, क्या हो अगर डॉक्टर वेगापंक गार्प का सेराफिम बना दे। और इसके बाद मेरे दिमाग में आया कि हाँ यार, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है, और इसी वजह से मैं व्हाट इफ सीरीज का थर्ड पार्ट ला रहा हूँ। मतलब इससे पहले मैंने व्हाट इफ वाले वीडियोस बनाए हैं। सबसे पहला वाला था व्हाट इफ जोरो एंड सांजी हैव अ डेविल फूड पावर, और उसके बाद बनाया था व्हाट इफ काइडो ज्वाइन मरीन फूड वॉर, जो कि थोड़ा इशू होने की वजह से डिलीट हो गया। अब उसको जो है दोबारा से मैं री अपलोड कर दूंगा कल सुबह, तो उसको भी चेकआउट कर लेना अगर तुमने नहीं देखा है तो। वैसे मुझे जहां तक लगता है उसमें अच्छे खासे व्यूज आए थे, तो मुझे लगता है कि उसको बहुत सारे लोगों ने देख लिया होगा। पर खैर, बात करते हैं गार्प की। अब देखो, डॉक्टर वेगापंक ने सेराफिम बनाया, और ये जो सेराफिम है ये वॉलॉर्ड के क्लोन कहो या उसके डीएनए से कहो या कैसे बनाया, ये चीज का हमें जरा भी अंदाजा नहीं है। लेकिन ये जो सेराफिम है ये वॉलॉर्ड की पावर तो रखते ही रखते हैं, मतलब जिस भी वॉलॉर्ड का बनाया है उसकी पावर तो रखते ही रखते हैं, साथ ही साथ ये लोग लुनारियन की ताकत रखते हैं भाई, उस तरह से ये दिखते हैं, प्लस ये स्ट्रांग भी है। और लेटेस्ट चैप्टर में जो चीज हुआ है ना भाई, क्या कहूँ, खासकर तो वो जिनमे वाला जो सेराफिम था यार, वो डेविल फ्रूट पावर भी यूज कर रहा है, साथ ही साथ फिशमैन कराटे भी यूज कर रहा है। तो क्या इसका मतलब हम ये समझे कि ये जो सेराफिम है ये एक तरह से लिविंग थिंग है? अब देखो, इससे पहले भी हमें वन पीस में ऐसे डेविल फ्रूट पावर जो है नॉन लिविंग थिंग यूज करते हुए दिखाए जा चुके हैं भाई। एल्बास्टा वाला वो कुत्ता वाला गन याद है, या फिर वो एनिस लॉबी में वो तलवार याद है जिसने वो हाथी वाला डेविल फ्रूट खाया था। अब देखो, वो दोनों जो थे ना वो जोआन डेविल फ्रूट थे, लेकिन ये वाला इंटरेस्टिंग है भाई, सीनियर पिंक की पावर रख रहा है। चलो, एक टाइम का समझ में आता है, मतलब एक तरह से मैं लॉजिक लगाने का ट्राई कर रहा हूँ, मतलब थोड़ा सा अंदाजा लगाने का ट्राई कर रहा हूँ कि नॉन लिविंग थिंग के साथ सीन क्या होता है, कि जोआन डेविल फ्रूट खिला दो तो उनके अंदर सोचने की क्षमता आ जाती है, किसी तरह से खिला दो। अब कैसे खिलाया जाता है वो चीज तो दिखाया नहीं है, और इसी वजह से वो लोग मतलब डेविल फ्रूट पावर यूज कर पाते हैं। और फाइव एल्डर्स ने एक बात कन्फर्म किया था कि हर जोआन डेविल फ्रूट के अंदर सोचने की क्षमता होती है, आई मीन विल होता है। तो ये वाला थोड़ा ना कन्फ्यूजन सा है कि भाई सेराफिम सच में जिंदा है या रोबोट्स हैं, क्या चल रहा है पता नहीं यार। बट मान लेते हैं कि चलो डॉक्टर वेगापंक ने गार्प का सेराफिम बना दिया, बिकॉज देखो अगर मैं डॉक्टर वेगापंक होता और मैं सच में पूरी दुनिया की मारना चाहता, मतलब सारे पायरेट्स के लिए मैं काल बनता, तो मैं गार्प का बनाता, बिकॉज हम सबको पता है गार्प हीरो ऑफ द मरीन है यार। लेकिन गार्प उसके लिए राजी होता? बिल्कुल भी नहीं। पर चलो मान लेते हैं कि किसी तरह से गार्प को मना लिया ये लोग, बिकॉज ये व्हाट इफ सीरीज है, तो यहाँ पर हम बस प्रेडिक्शन बाजी करते हैं इस सीरीज में। तो मान लेते हैं गार्प तैयार हो जाता है और डॉक्टर वेगापंक उसका सेराफिम बना देता है, तो क्या होगा, क्या वो गार्प जितना स्ट्रांग होगा? अब देखो, इस बात का तो बिल्कुल भी नहीं पता है, क्योंकि सेराफिम हाकी यूज कर सकते कि नहीं ये बात का अभी तक हमें मालूम नहीं है, और हाकी अगर यूज कर सकते हैं तो क्या उनके पास कॉन्ट्रा हाकी भी होगा, ये बात कभी नहीं मालूम है। लेकिन एक चीज मैं कह देता हूँ, अगर वो गार्प की तरह हाकी में भी उतना ज्यादा केपेबल होगा, उतना ज्यादा मास्टर होगा, तो हाँ वो हो सकता है, प्लस वो गार्प से भी ज्यादा ड्यूरेबल हो पाएगा, बिकॉज लुनारियन वाला भी तो है ना पावर उसके पास, तो तुम लुनारियन को तो आसानी से डैमेज नहीं कर सकते। प्लस डॉक्टर वेगापंक ने एक और चीज मना के दिखाया, हॉकाई का भी सेराफिम उसने क्रिएट किया है, जो कि हमें अमेज़न लिली में देखने को मिला था। अब इससे क्या निकल के आता है कि तुम ऐसे बंदे का भी तुम सेराफिम क्रिएट कर सकते हो जिसके पास डेविल फ्रूट पावर नहीं है, और उसको तुम उस टाइप की पावर दे सकते हो। प्लस हमें पता है जिनबे के पास कोई डेविल फ्रूट पावर नहीं है, लेकिन जिनबे के सेराफिम के पास डेविल फ्रूट पावर है, प्लस वो फिशमैन कराटे यूज कर सकता है। इसका मतलब ये है कि डॉक्टर वेगापंक अगर मान लो गार्प का सेराफिम क्रिएट करता है और मान लेते हाकी किसी तरह से डालने में कामयाब हो जाता है, पता नहीं कैसे डालेगा लेकिन कामयाब हो जाता है, बिकॉज डॉक्टर वेगापंक कुछ भी कर सकता है, प्लस उसको डेविल फ्रूट पावर भी दे देता है। और हाँ, अगर वो मरीन के लिए काम करना चालू कर दिया फिर तो भाई वो एक तरह से यमराज है पायरेट के लिए, हर पायरेट को घुस घुस के मारेगा अकेले। वैसे मैं एक चीज देखना चाहूंगा, अगर वो गार्प जैसा एटीट्यूड भी रखता होगा, जा मैं तेरा बात नहीं मानता, क्या कर लेगा
क्या उखाड़ लेगा। वैसे यार गार्ब जैसा एटीट्यूड भी आ जाए तो मस्त होगा वो वाला सेराफिम। पर देखो जो कुछ भी हो ये थोड़ा इलॉजिकल टाइप का, लेकिन कुछ चीजें हैं जो यार इंटरेस्टिंग बनाती है गार्ब के सेराफिम को, और गार्ब का सेराफिम बनाना मतलब यार थोड़ा मजेदार सा है। वैसे देखो एक और बात, अगर ऐसा होता है ना तो भाई डॉक्टर वगापंग फिर तो बाकी के एडमिरल्स की भी सेराफिम बनाएगा। तो यार सोचो मरीन के लिए कितना आसान हो जाएगा भाई, वो पायरेट के लिए किसी यमराज से कम नहीं होगा अगर उसका सेराफिम बन जाता है तो। खैर देखो आज जो है मुझे ज्यादा कुछ बात करने के लिए वैसे था नहीं, मरीन का पावर बढ़ जाएगा। और हाँ मुझे मालूम है ये जो छोटा सा वीडियो है और ये एक प्रेडिक्शन वीडियो था, कल जो है मैं लेकर के आऊंगा एंशिएंट किंगडम के ऊपर वीडियो, तो कल के वीडियो का वेट करो। और कल संडे में यार ब्लीच पे भी वीडियो आएगा, तो दोनों चैनल के लिए इंतजार करना। साथ ही साथ वीडियो पसंद आया लाइक मारो, चैनल पर नया आएगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर देना, और हाँ इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलना। तो यार मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, फिलहाल के लिए बाय।